हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, जिसके अंदर मैं आपको सेल सेल के टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर सोमेटिक सेल, जर्म सेल पढ़ चुके हैं हम लोग, टिश्यू को भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये चीज़ें खत्म कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है कि हिस्टोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो टिश्यू के स्ट्रक्चर और इसके अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। समझो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो ये जो टिश्यू है, इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या वो फ्लैट है या फिर वो क्यूब जैसी है या फिर वो कॉलम जैसी है। ठीक है, इसमें से क्या इसका स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना है। फिर यहां पे समझना इसका अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट से क्या मतलब है, अरेंजमेंट से इसका मतलब है कि वो क्लोजली पैक्ड है या फिर लूजली पैक्ड है, कैसा पैक्ड है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर। इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो चार तरह की सेल, चार तरह के टिश्यू को पढ़ना है, एपिथेलियल। तो देखो, हिस्टोलॉजी में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट करते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ईपी का मतलब क्या होता है, एबो। एबो का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, और थीलियल का मतलब लेयर ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, एक ऊपर लेयर की सेल होना है, इस वर्ड का मतलब यही है। लेकिन अब समझो, सपोज करो ये कोई ऑर्गन है। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई क्या है, ऑर्गन है, और इस ऑर्गन के ऊपर एक पूरी की पूरी लेयर है सेल की, ऐसे सेल बना दो। ठीक है, ऐसा सपोज करो कि ये पूरा इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है, लेयर है पूरी की पूरी सेल की, और क्या इस ऑर्गन के ऊपर है ये, तो मैं इसको ईपी बोल सकता हूं, और ये लेयर है पूरी की पूरी सेल की, तो मैं इसको थीलियल बोल सकता हूं, थीलियल बोल सकता हूं। तो इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन गया, बन गया ना एपिथीलियल। और देखो, यहां पे एक सेल है क्या, नहीं, यहां पे पूरा का पूरा ग्रुप है सेल का, लेयर है, एक से ज्यादा सेल है, मोर देन वन सेल है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, एपिथीलियल टिश्यू, वो सेल की लेयर जो किसी ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। एंडोथेलियम क्या होता है, अब इसको समझो, ये आपके बुक में नहीं दिया है बट आपको पता होना चाहिए। सपोज करो ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पूरी की पूरी लेयर देखने को मिलेगी सेल की। ऐसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी पूरा ऐसा लेयर होगा सेल का। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर है, वेसल के अंदर है, अंदर है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, इंडो। और पूरी की पूरी देखो लेयर है सेल की, ऐसा पूरा का पूरा बना लेना, तो लेयर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको थीलियल बोल सकता हूँ, थीलियल बोल सकता हूँ। तो क्या बन गया, इंडो थीलियम बन गया, थीलियम बोल लो, थीलियल बोल लो, कुछ भी बोल लो, चलो थीलियम लिख लेते। तो क्या हो गया, एंडो थीलियम बन गया। देखो यहाँ पे एंडो थीलियम बन गया, तो वो सेल की पूरी लेयर जो किसी ब्लड वेसल्स के इनर साइड है या किसी भी ऑर्गन के अंदर है, तो हम लोग उसको क्या, एपिथेलियल नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये आपके बुक में नहीं है। देखो, नोट लगाना है तो लगा लो। ठीक है, मैं हट चुका हूं। अभी तो हम लोगों ने बस बात किया कि ये एपिथेलियल क्या होता है और एंडोथेलियम क्या होता है। अब समझते हैं इसके अंदर सेल का अरेंजमेंट कैसा होगा। हम लोगों ने तो बोल दिया लेयर होगी पूरी की पूरी सेल की, लेकिन सेल अरेंज कैसा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल होगा, देखोगे आप तो ऐसा पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा मतलब एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास होंगे। देखो ऐसा होगा, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के पास होंगे, न कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो पास होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट पैक्ड है, और इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, लूजली पैक्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि कॉम्पैक्टली पैक्ड क्या होता है, लूजली पैक्ड क्या होता है। तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, हमें एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से होता क्या है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, लिटल हो जाएगा। तो अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, अब इसको समझो। सपोज करो ये हमारे पास सेल वन है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, इन दोनों सेल के बीच में, जब हम लोग दो सेल के बीच में बात करते हैं,
तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटर, ठीक है, इंटर बोलते हैं। और स्पेस है तो इंटर सेलुलर स्पेस, देखो दो सेल के बीच में ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे इंटर और सेल के बीच में, तो सेलुलर और क्या है जगह है, तो स्पेस लगा दो इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इंटर सेलुलर स्पेस कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो सेल बना लो, क्योंकि दो तरीके के आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाओ। देखो इसके अंदर न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पढ़नी कि न्यूक्लियस का शेप क्या और न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है। अब इन दोनों चीजों पे आप फोकस करो। तो देखो न्यूक्लियस की पोजीशन क्या हो सकती है, एक तो सेंटर में हो सकती है, ठीक है, सेल के सेंटर में हो सकती है, दूसरा कहाँ हो सकती है, बेस में हो सकती है। तो दो पोजीशन हो गई न्यूक्लियस की, सेंटर में और बेस में। अब देखो अब न्यूक्लियस की शेप की बात करते हैं, शेप कैसा होगा, एक तो इसका शेप स्फेरिकल हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपको शेप देखने को मिलेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी बातें क्लियर कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो अब क्या करना है, अब ये जो पूरी की पूरी सेल है जो देखो ऐसे अरेंज हुई है, क्या वो हवे में होगी, नहीं, इनको कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो वो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी सेल क्या करेगी, रुकी हुई होगी। देखो ये जो ब्लैक मार्कर से बना हुआ है ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर देखो ये पूरा का पूरा सेल प्रेजेंट है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेम्ब्रेन है आपकी वो एक बेस की तरह काम कर रही है, करी यानी सब सेल के लिए बेस बना रही है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दूंगा, किसको, ये वाली मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो लो मैं हट चुका हूं, आप लोग नोट लगा लो इसको पूरा का पूरा। देखो इसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं था, बस आपको क्या पढ़ना था इसके अंदर, नंबर वन कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या, पहले तो इसको तोड़ दो, ईपी क्या होता है, थीलियल क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा इसके अंदर समझ लो कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। फिर इसके बाद आप कॉम्पैक्टली, इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपने को बताना है कि न्यूक्लियस का शेप क्या है, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है। फिर ये जो पूरा का पूरा जो सेल है वो एक मेम्ब्रेन पे है, उस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हुई ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लो इसको, नोट लगाओ फटाफट, नोट लगाओ। देखो मैं हट चुका हूं, आप लोगों को खुद ही नोट लगाना है, क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है इनका। सबसे पहली बात तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। दूसरा होता है इनका ट्रांसपोर्ट का, देखो अभी समझाऊंगा इसका सब, मतलब समझाऊंगा, लिख लो खाली। तीसरा इनका होता है सिक्रीशन में, चौथा होता है एब्जॉर्प्शन में। अब समझो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। देखो एपिथेलियल टिश्यू के ना दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा और एक होगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, सिंपल का मतलब क्या है, एकदम सीधा साधा सिंपल, तो यहां पे होगी सिंगल सिंगल लेयर होगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन वन लेयर होगी, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर होगी, ऐसा बोल सकते हैं अपन, मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी आपको किसके अंदर, कंपाउंड एपिथेलियम में। तो देखो जो कंपाउंड एपिथेलियम है ना, एक से ज्यादा लेयर है, तो ये मेनली काम करती है प्रोटेक्शन का। और ये जो सिंपल एपिथेलियल होती है ना, तो ये एक ही लेयर है, इसका जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करने में और फिल्टर करने में होता है, ठीक है। अब ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी, आप अपने लंग्स में देखो तो आपको क्या देखने को मिलती है, एल्वियोलाई देखने को मिलती है। तो ये जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल है, ये क्या होती है, एंडोथेलियम वॉल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस यहां से एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके पास सिंगल लेयर है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, जिसकी वजह से यहां से इजिली हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देख लो ब्लड वेसल से इसको कवर की, तो यहाँ से ब्लड का ट्रांसफर होता है।
फिर हम लोग बात कर लेते सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पे समझो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्यूबोडियर और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये होते हैं, इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इनके अंदर एक बात ध्यान रखना कि इनके अंदर जो है रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे समझो आप अपना मुंह देख रहे हो, आपके मुंह के अंदर चिक्स, तो इसके अंदर जो कवरिंग है ना, ये कंपाउंड एपिथेलियम की कवरिंग है, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम जब आप कुछ भी खाते हो तो क्या करते हो, उसके अंदर मुंह में डाल के चबाते हो, जब चबाओगे तो क्या होता है, ऊपर नीचे उसको लग जाती है। लगने की वजह से क्या होता है, कभी आप खाओ तो देखो लगने की वजह से मुंह में ऐसा जलन जैसा फील होता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टीपल लेयर है, जो उसमें से कुछ लेयर डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन कुछ ही एक या दो दिन में ही वो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको फंक्शन समझ में आया इसके क्या है, ठीक है, और रीजनरेशन पावर, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखो ये बातें नोट लगा लो, सारी बातें लिख लो, ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं स्क्वैमस एपिथेलियम समझेंगे, फिर क्यूबोडियल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर समझेंगे, ऐसे आगे और भी समझेंगे, जर्माइनल एपिथेलियम क्या है, सेक्रेटरी सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। उसको चिंता मत करो आप लोग, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और यार कुछ भी सीखने को मिला ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।